पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रविवार को खुशालपुर स्थित उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता अरुण गोयल प्रदेश अध्यक्ष ने की। महासचिव अंकित अग्रवाल ने मीटिंग में व्यापारियों की नगर निगम मुरादाबाद द्वारा जो मनमानी की जा रही है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की नीति पर रोष व्याप्त करते हुए बताया कि कूड़ा कलेक्शन टीम बिना कोई संपर्क किए दुकानदारों से बिना मानक के आधार पर मासिक शुल्क 200 देने की बात कर रही है, जो जॉब केयर मुनासिब नहीं है। बाजार में ग्राहक मंदा है और न ही दुकानों से कूड़ा निकलता है, ना ही नालियों की सफाई व्यवस्था भी नियमित रूप से नहीं होती। ऐसी स्थिति में दुकानदारों पर 200 मासिक शुल्क यह व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नगर निगम अपनी मनमानी को कम नहीं करता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मीटिंग में आज नए अध्यक्ष का भी चयन किया गया और सभी ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। क्षेत्र की समस्याओं की प्राथमिकता रहेगी, जो नगर निगम से कूड़ा उठाने का पैसा जो ले रहे हैं 200 रुपए महीने, और समस्या पानी की, जैसे लोगों की दुकानदारों को समस्या है, उसको प्राप्त करेंगे। अरुण गोयल, आज लघु उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत इकाई की, खुशालपुर इकाई की, इस उद्देश्य को लेकर बैठक हो रही है कि यहाँ काफ़ी समय से हमारे व्यापारियों की बड़ी शिकायतें थी कि यहाँ नगर निगम जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रहा है कूड़े का, उसकी समस्या यहाँ आ रही है और एक तानाशाही पूर्ण रवैया हमारे नगर निगम ने बना दिया है कि 200 रुपए पर दुकानदार जबरदस्ती उनसे मासिक शुल्क वसूला जा रहा है, जिसका लघु उद्योग व्यापार मंडल आज की इस मीटिंग के माध्यम से पुरजोर विरोध करता है। अगर नगर आयुक्त जी से हमारा निवेदन है कि वो शीघ्र ही इस पे निर्णय लें और राहत पहुंचाएं व्यापारियों को, अन्यथा नगर निगम के पर धरना और प्रदर्शन बड़ी तादाद में किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त की होगी। ठीक है, नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हाँ, नगर और इस क्षेत्र में व्यापारियों की आगे भी समस्याएं आती रहेंगी, इसी को उद्देश्य को रखते हुए हमने जगवीर सिंह विमल साहब को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया है।